हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू डीप टेक ऑफिशियल। और दोस्तों जो अभी आपने वीडियो देखा वह वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो थी, और आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। इस टाइप की वीडियो दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये वीडियो कैसे बनती है। तो दोस्तों अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपने काइन मास्टर के 9:16 के न्यू प्रोजेक्ट में आ चुके हैं और यहीं पे आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले तो मैं दोस्तों मीडिया में जाकर के एक लव कपल वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाली काफ़ी बढ़िया फ़ोटो है। अगर आपको ऐसी टाइप की फ़ोटो नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख करके आप काफ़ी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो इस टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जितनी सेकेंड की आपकी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो होती है उतनी सेकेंड की ये फ़ोटो कर दो। उसके बाद मीडिया में जा करके मुझे एक इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जहां पे देखो यहां पे मैंने एक इफेक्ट डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको यह भी नहीं मालूम है कि यह इफेक्ट कैसे डाउनलोड होगी तो मैं इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के आराम से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों यहां पे देखो हमारी वीडियो स्टार्ट की तो मैंने आपको यहां पर दिख रही होगी कि ये तो बस मोशन चल रही है, जो बैकग्राउंड फोटो थी वो तो शो ही नहीं हो रही है। तो इसकी क्या फायदा हुई दोस्तों, तो इसकी फायदा आपको अभी पता चलेगी। तो यहां पर देखो इसको फायदा आपको मालूम करने के लिए ब्लेंडिंग वाले ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस आपको मिलेगी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन है, सॉफ्ट लाइट है, लाइटन है। तो मुझे तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया कलर स्क्रीन लगी है, तो मैं स्क्रीन कलर रहने दूंगा। स्क्रीन वाली जो ब्लेंडिंग की ऑप्शन है ये काफ़ी बढ़िया इफेक्ट दे रही है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और अपने वीडियो की साइज़ के अनुसार इसे सेट कर दूँगा। और मैं बताऊँ दोस्तों तो अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये कितनी शानदार लग रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है ना दोस्तों। पर दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी वीडियो बन गई है तो नहीं बनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मज़ा भी आएगी। तो दोस्तों तत्काल मैं इस वीडियो को अभी सेव कर लेता हूं अपने गैलरी में। तो अभी मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको डाउट हो रही होगी कि यह मैं एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में दो वीडियो लेयर और ऐड करूंगा जो कि मेरे काइन मास्टर में सपोर्ट नहीं करती है। तो मेरा मतलब है दोस्तों जो मेरी काइन मास्टर है वो 3 वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए पहले मैं एक वीडियो लेयर ऐड कर दिया। आप दो बचा हुआ है तो दो मैं नेक्स्ट बार करूंगा यहाँ पे फिर से इसी प्रोजेक्ट में आ करके। तो सबसे पहले जो थी उसे मैं हटा दूंगा, जो भी अभी मैंने वर्क किया। अब मैं जाऊंगा आराम से मीडिया में और यहाँ पे जाने के बाद जो अभी मैंने वीडियो सेव करके रखा है उसको अभी ही मैं इसे आपको एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन में जा करके इसे मैं अभी के अभी यहाँ पर ले आऊँगा। और ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों वही वाली वीडियो है। और अब हम बताते हैं आपको कि आपको आगे कौन कौन सी वीडियो ऐड करनी है। तो मीडिया में जाएंगे, हमको दो वीडियो लेयर ऐड करनी है जो कि इसमें सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक ये मुझे वीडियो लेयर ही ऐड करनी है, तो इसको तो सबसे पहले मैं क्रोमा की में जाकर किसे इनेबल कर देता हूँ और इसकी इफेक्ट को सामने आपको दिखा देता हूँ और इसको बता देता हूँ कि आपको कहाँ सेट करनी है कहाँ नहीं करनी है। और एक बात और सुन लो दोस्तों, जितनी भी आप इफेक्ट देख रहे हो इस वीडियो में सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना, आपको सारी कुछ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी लुक दे रही है। तो दोस्तों अगर आप अपने WhatsApp स्टेटस वीडियो में अपनी लोगो या चैनल नेम देते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप दे सकते हो जैसा कि मैं दे रहा हूँ। इसे मैं नीचे में सेट कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो की पहचान रहे कि यह हमारी वीडियो है। और यहाँ पे देखो दोस्तों इसकी अल्फा भी आप मैनेज कर सकते हो, उसकी साइज़ बड़ी कर दो। अब देखो दोस्तों हम इसे प्ले करके आपको दिखाते हैं ये अभी भी कितनी अच्छी लग रही है। पर दोस्तों इसमें भी मुझे एक इफेक्ट देनी है, जो कि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक और ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं गया और एक आई लव यू वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों इस पर मैंने क्लिक किया। और उसके बाद दोस्तों क्रोमा की इनेबल करने के बाद आप देख लो मैं इसे कैसे सेट कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी कर सकते हो और काफ़ी आसान है दोस्तों। तो मुझे तो ये बनाने में काफ़ी कम टाइम लगती है, आपको कितनी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताना अगर बन जाती है तो। और यहाँ पे देखो दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्रोमा की में, क्योंकि जो होती है ग्रीन इफेक्ट वीडियो में आ ही जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसे आप प्रोफेशनल रूप से कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे देखो दोस्तों, हम इसे कहाँ पे सेट कर रहे हैं तो इसे हम बीच में रहने देते हैं। इसकी साइज़ जो है अच्छी लग रही है, ठीक है, और इसे बीच में ही रहने देते हैं और हम आपको प्ले करके ज़रूर अभी दिखाते हैं। पर दोस्तों इसकी साइज़ जो है थोड़ी और बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसकी साइज़ थोड़ी और बड़ी हो चुकी है और ओके करके आप प्ले करके देख लो। और दोस्तों आप लोग यहाँ ऑडियो वाली ऑप्शंस में जा करके अपने स्टेटस वीडियो के लायक सॉन्ग भी दे सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो आप ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं प्ले करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये दोस्तों मुझे एवी म्यूज़िक प्लेयर से जो बनती है उससे भी बढ़िया मुझे लग रही है। आपको क्या लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना हमें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स तो करके बताना ही दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।